I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food. So yeah, aage sabse famous jagah CP. ये हमने यहाँ से लास्ट व्लॉग छोड़ा था वैसे ही है। हम इंडिया गेट के लिए जा रहे थे और हमारा वो क्या हो गया, झंडा कहाँ पे तो ये बता, झंडा तिरंगा अपना तिरंगा आसपास तो दिख नहीं रहा है, कहाँ पे लगा नहीं है पर वो झंडा। अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ एक और नए व्लॉग में। लास्ट वाला व्लॉग ही कंटिन्यू किया है, तो हमें जाना था इंडिया गेट, मैं गेट टर्मिनल मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा जो जिससे एग्ज़िट होती है वहाँ से करके ऑटो से चलेंगे, पर एग्ज़िट करके आए तो सीधा CP में आ गए और हमें यहाँ पे भी जाना था, तो अनएक्सपेक्टेड हम CP में आ चुके हैं। हम गलती से सही जगह आ गए क्योंकि हमें यहाँ भी आना था। मिरेकल। सो जाक किस तरफ रहे हैं? तो ये जो कनॉट प्लेस है यहाँ से अभी अपन जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन दोबारा लौट के नहीं आएंगे, चलने ही मजा आएगा वहाँ पर। हाँ, रात को यहाँ पे अलग अच्छा लगता है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। अभी इस प्लेस को भी अपन विज़िट करेंगे दोबारा से, और रात को तो यहाँ पे और भी अच्छा लगता है, करेंगे यहाँ पे मस्ती। बस आप इस ब्लॉग में बने रहिए। कितनी दूर हो रहा है भैया? अच्छा, बस आने वाली है कुछ ही देर में इंडिया गेट। आपको गेटवे ऑफ इंडिया भी मैंने दिखाया था, आज आप इंडिया गेट भी देख लो। और ये अपन आ गए इंडिया गेट, अभी इसके अंदर विजिट करेंगे। ये सीन है के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। सो अपना भाग इतना शानदार है, लो इसको आपको और जूम करके दिखाता हूँ, एक एक पत्थर दिखा देता हूँ आपको। तो अपना भाग इतना शानदार है, कल 8 फैकल्टी गए थे वो बंद था, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से आप प्लीज़ मैनेज करके गुस्सा ना होते हुए इसको यहीं से देख ले, क्या करें। सोचो हमें कैसा बुरा लग रहा होगा। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिस चीज को देखने आया वो बंद ही मिल रही है। Why are you crying? तो सर क्या कहना है आपका? सर गुस्सा होते हुए तो अपना ये जीवन कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये प्रेसिडेंट हाउस है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखो आपको और जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यही मेन प्लेसेस थे आपको घुमाने के लिए। कहाँ गया ये रहा। इंडिया गेट को ज़्यादा घूम नहीं पाए,
थोड़ा सा ही हम वहाँ पे आपको दिखा पाए, जुगाड़ लगा रहे हैं पर जुगाड़ लगा रहे हैं पर जुगाड़ वो सक्सेसफुल नहीं होगी, हम इतना लगाना भी नहीं चाह रहे हैं। अब जो रूल्स है वो सबके लिए बराबर है, तो अब हम इसके चारों तरफ, इंडिया गेट के चारों तरफ हम आपको और क्या क्या दिखा सकते हैं, मैं आपको वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। और अब जो कॉप्स है वो सब सिटीजन्स को यहाँ से थोड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया है शायद 5 बजे यहाँ की लिमिट है। अब हम एक और जगह जा रहे हैं, पर अब हम आपको बता रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा पे पोपट होता जा रहा है, तो उस वजह से अब हम आपको बताएंगे नहीं, अब आपको ब्लॉग में बनी ही रहना पड़ेगा। वो ये जगह अच्छी लग रही है फ़ोटो के लिए, अच्छी लग रही है यार, देखते हैं फोटो। आया भा आया जल्दी आ ब्रो, कंस्ट्रक्शन लाइफ सक्स, जहाँ देखो आ कंस्ट्रक्शन। ये कौन सी बिल्डिंग है? हैदराबाद हाउस, सनराइजर्स हैदराबाद, 3 हाउस है, पढ़ लिया मैंने। ये हमारे बैंडा लेंस कैमरामैन, चले अब इस जगह से, शाम होने वाली है, अब आपको दूसरी जगह ले। तो रास्ते में ही वॉक करते करते एक ऐसी जगह दिख गई जहाँ पे आप के लिए शूट कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, वाह, साउंड आप सुन पा रहे हो? अरे अरे आ गया। 1 hour later तो पानी ने बहुत ही मस्त स्पीड पकड़ ली है, और इस ट्रिप पे सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, जैसे मुरैना से अपनी शुरुआत हुई थी, फिर ट्रेन कैंसिल, जिन जिन प्लेसेस पे आ रहे हैं वो आज बंद है। सन पानी देखिए मस्त तेजी से स्पीड से पड़ रहा है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। ये हमारी लाइट है, एक आपको सीन बताता हूँ, अभी जब मैं उस पार्क में वर्कआउट कर रहा था, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मास्क लगा हुआ था, मैं वर्कआउट कर रहा था और लोग भी देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। फिर जैसे ही मैं अपने कपड़े मैं दोबारा से पहन रहा था, चेंज कर रहा था, मैंने अपना मास्क निकाल दिया, तो वहाँ पे दूर एक रिपोर्टर बैठे हुए थे, वो तब से इसी बात का वेट कर रहे थे कि कब मेरा, अब मैं आपको चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, वो बड़ा चैनल है वो, तो कब मेरा मास्क उतारूँ मैं और कब वो आके मुझे एम्बेरेस फील कराए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ तब मास्क लगाए, अब मैं कपड़े चेंज करूँगा तब मैं अपना चश्मा भी निकालूँगा, चश्मा निकालूँगा तो मैं मास्क भी निकालूँगा, बस वो उसी मौके की तलाश में थे, मेरे पास आए तो सर आप, उन्होंने एक दो क्वेश्चन किए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो रियलिटी थी वो उन्हें मैंने बताई, और फिर वो और लोगों के पास भी गए। अगर उनका मोटिव, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं या मैं सही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका मोटिव लोगों को जागरूक करना है तो आप तब इंतजार क्यों करते हो कि जब उन्हें निकालना ही पड़े, जैसे अब कोई कुछ खा रहा है और आपको चाहिए, अपने आगे मीडिया ऐसा है उन्हें चाहिए कंटेंट, आपको जब कोई खा रहा है तब आप आ जाओगे सर आपका मास्क क्यों है, और लोग एकदम से कैमरा को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। पर अब मेरा तो काम ही है कैमरे के आगे बात करना, तो जो रियलिटी थी मैंने वो बताई, मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ ना मैं उन्हें गलत ठहरा रहा हूँ, मैं एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ। पानी बंद हो गया है और अब हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है बंगला साहिब गुरुद्वारा वहाँ जा रहे हैं। आज की हालत बताएं, आज जरा अपन कदम कितने चल रही, वो मोबाइल में बताना, ये देखो कितने, 11,000 हो गए, 11,000 12,000 में 300 कम है, हाँ 12,000 कदम इन्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करना, यार आप बताओ कितनी हो गए।
हो गया अपना 8.32 किलोमीटर। 8.32 किलोमीटर आज हम चल चुके हैं। इसमें कैलोरी कितनी बर्न हुई? 545 कैलोरीज बर्न हुई हैं। ये एग्जैक्टली तो नहीं है बट भले ही आज हमने वर्कआउट नहीं किया है पर ये अच्छा कार्डियो हो गया है। फैट बर्निंग पूरी बॉडी आज पूरी दिन में चलती रही है। आज रात को नींद भी बहुत मस्त आई। बस अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ की रोड्स ऑलमोस्ट सेम नहीं है। नॉर्थ कैंपस भी ऐसा ही था। ये ग्रीनरी किसी भी जगह को बहुत अच्छा बनाती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ बचाओ देश बचाओ, यही कहते हैं क्या? ये तो मैंने बनाया है ब्रो। इस तरफ आया हो फुटपाथ पे, सैल्मन वाई नहीं है यहाँ पे, आप आ सकते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। गुरुद्वारे पर ये बार का है, कहाँ से एंट्री है यहाँ की? कहाँ से एंट्री वो दिखाई दे रहा है आपको, जूम करता हूँ। ये गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पीस मिलती है। आप लोग अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर विजिट करें। हमारे जूते वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट ही बोलेंगे, सबमिट ही करने पड़ेंगे। हाँ, सबमिट करने के बाद यहाँ से अभी हम कैसे, अभी हमें पता नहीं जूते कहाँ सबमिट करनी है। तो हम ये देख रहे हैं जो हमारे आगे जो लोग चल रहे हैं वो कहाँ तक जूते पहन पहन के चल रहे हैं। यहाँ वो मुड़ेंगे वहीं हम मुड़ेंगे। मैंने अंदर थोड़ा सा ही थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाने का ट्राई किया और इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे वहाँ का फील करना था। मैंने मेडिटेशन भी किया थोड़ा सा। अब यहाँ आप देखिए कितनी शांति है। अब यहाँ से चेकआउट कर लिया है। मैंने एक अच्छी चीज़ ली है अनबॉक्सिंग के लिए, उसका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग के लिए मैं मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है, आप गेस कर सकते हो। आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो होने वाली है आ जा। लास्ट डेस्टिनेशन क्या है आज की अपनी? जो हमने इस ब्लॉग की शुरुआत में कहा था कि शाम के टाइम पे अब हम वहाँ जाएंगे। हाँ दिखा दिया। रात के टाइम पे हर जगह की अपनी अलग एक ब्यूटी निकलती है। दिन में जो होता है वो होता है, रात को एक पीस होती है, माहौल शांत होता है और घूमने भी आपको बहुत अच्छा लगता है। आज हमने बहुत वॉक करी है और बहुत ज़्यादा कैलोरी भी ली है। स्टेप्स कहाँ भाई? 15,000 चुके हैं और अभी तो और चलना है। आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊँगा कि आज हम कितने किलोमीटर चले हैं। 15,000 के कितने किलोमीटर हुए हैं? 10 किलोमीटर अभी हम आज के दिन में चल चुके हैं। 10 किलोमीटर बहुत होता है। और ये देखिए हमारा तिरंगा बहुत ही अच्छा, रात के टाइम में जैसा मैंने कहा था बहुत ही अच्छा व्यू। अरे थम जा रहे बंदे, और अच्छा ही लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का है, ऑनलाइन से सस्ता है और ऑनलाइन से अच्छा है। अगर जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं वो मेरे सजेशन में इसी को यहाँ से ले लें क्योंकि ऑनलाइन इससे महंगा है और क्वालिटी इससे कम मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये रहा कनॉट प्लेस जहाँ हम शुरुआत में आए थे। अब यहाँ पे देखो रात को अलग ही लाइटिंग से अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वर्क्स गुरु, स्वेट शर्ट ले लो, कुर्ती ले लो वीर जी, वीर जी कुर्ती ले लो। अभी हम गुरुद्वारे गए थे तो भाई साहब को प्यार से बड़े भाई को वीर जी बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब मैंने इसका नाम रख दिया है वीर जी। वीर जी ये कहाँ बैठ रहे हो? बहुत थक गए।
ये यहाँ का रात का व्यू है, बहुत ही शानदार और शांति भरा। ये नीचे मेट्रो के लिए या रोड क्रॉस करने के लिए? रोड क्रॉस होगा। आज का ब्लॉग अब हम यहीं एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और कल का ब्लॉग जो होने वाला है, कल हम देखने जा रहे हैं, वो हम जाएंगे रेड फोर्ट और चांदनी चौक, जाके पराठे बहुत फेमस है, और जामा मस्जिद। ये अभी मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है कि हम जैसा आज हुआ हम जाने में असफल हो जाए, इतना बन सके उतना करने का ट्राई करेंगे। और बस आपको ब्लॉग कैसे लगे, अगर अच्छी लग रहे हो तो लाइक कर दें। और मेरे वो शर्टलेस वर्कआउट के बारे में आपका क्या कहना था, वो आपको कैसा लगा वो आप बता दें। तो उसी के साथ में आज के ब्लॉग की यही एंडिंग करते हैं। मिलते हो आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, अलग एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट। साइड में भाई साहब दिखते नहीं है।